नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी की दवा देता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी होम्योपैथी के विषय में तमाम नई चीज़ें देखते देखते मुझ में परिवर्तन आया। वह परिवर्तन ये आया कि बहुत से वीडियो आयुर्वेद को लेके हमारे सामने आए। आयुर्वेद जो हम सब के भारतीयों के जीवन का हिस्सा रहा है, उसके वीडियो मेरे सामने आए। अब क्या होता है, जब उत्सुकता होती है, कौतूहल होता है, तो आप उसको सरपास नहीं कर पाते, आप उसके बारे में पढ़ने लगते हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो और पढ़ते हैं, और विषयों को पढ़ते हैं, और चीज़ें जानते हैं। तो उसी श्रृंखला में कुछ आयुर्वेद के चीज़ें, नुस्खे मैंने अपने घर पे भी अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, अपने परिवार को कराना शुरू कर दिया। तो आज मैं आपको वही नुस्खा बताना चाह रहा हूँ जो आपके आयुर्वेदिक जीवन की शुरुआत हो सकती है। ऐसा नुस्खा जो आपको आयुर्वेद की तरफ, आयुर्वेद की मैं दवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम है आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें ठीक होती हैं वो ठीक नज़र आती हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं वो आपके इंट्यूशन दिल में आता है कि वो गलत है। तो आयुर्वेद क्योंकि एक जीवन का लाइफस्टाइल का फॉर्म है, तरीका है। एक ऋषि जो आयुर्वेदिक लाइफ जीता है, वो आपने फेसबुक पे वीडियो देखा होगा बीच में आया था कि वहाँ गंगोत्री के पास जने कहाँ बर्फ तोड़ के उसके अंदर से पानी निकाल के नंगे बदन नहा रहा और भाग रहा, भाग मतलब चला जा रहा। तो ऐसे विस्मयकारी जीवन भी कोई जीवन होता है। तो मैं आज आपको उसी जीवन में प्रवेश के मार्ग का पहली कड़ी देने आया हूँ। बहुत सी बाकी कड़ियाँ हमने दे रखी हैं अपने चैनल पे, लेकिन आयुर्वेदिक जीवन में प्रवेश कैसे करा जाए, तो मुझे उसको जब मैंने बहुत स्टडी करा तो मुझे दो स्थितियाँ समझ में आई जिससे आप आयुर्वेदिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। पहला, आप खाने का संयम करिए, भोजन का स्प्राउट्स खाइए। और दूसरा, जो हम आपको ये नुस्खा बता रहे हैं, अद्भुत नुस्खा है साथियों, जो आपके पैर से लेके आपके सर तक नसों में इतनी ताकत दे देगा कि आपकी 80% समस्याएं दिमागी संबंधित, शारीरिक संबंधित यूं ही खत्म हो जाएंगी। बहुत अद्भुत नुस्खा साथियों हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपके नसों को मजबूत करेगा, आपकी नसों में ताकत लाएगा और आपके आयुर्वेदिक जीवन की शुरुआत करेगा। तो पेश है साथियों या खूबसूरत सा आयुर्वेदिक नुस्खा जो मैंने अपने घर पे अपने करना शुरू कर दिया है, परिवार को कराना शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूँ ये आपके भी आयुर्वेदिक जीवन की शुरुआत के रूप में काम करेगा। आपको साथियों कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको तिल का तेल लेना है, तिल का तेल लेना है, सफ़ेद तिल का तेल हो तो बेहतर है, वो ना मिले तो गाय का घी हो गया या सरसों का तेल हो गया, लेकिन नंबर एक पे सीसेम ऑयल है, क्योंकि तिल के तेल में बहुत प्रोटीन और बहुत गुण होते हैं। तो वो ऑयल आपको ले लेना है, या फिर सरसों का तेल ले लेना, मैं फिर रिपीट करूँगा, वो भी मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा है, या फिर आपको देसी घी गाय का ले लेना है। इसमें से कोई एक चीज़ लेके आपको जो पैर का तलवा होता है, फुट का जो सोल होता है, उसमें 10 मिनट तक प्रति पैर, 10 मिनट एक पैर राइट पैर, 10 मिनट लेफ्ट लेग, आपको 5 मिनट पहले तेल की मालिश करनी है, और उसके बाद एक ब्रॉन्ज की कटोरी जिसका कि पीछे पेंदा गोल हो, उसमें कुछ नुकीला ना निकला, क्योंकि उससे आपको रगड़ना है, वो ब्रॉन्ज यानी कि कॉपर और टिन प्लस एलॉयज, इसमें 80% कॉपर होता है, 20% टिन होता है। मैं ब्रास नहीं कह रहा हूँ, एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूँ, मैं ब्रॉन्ज कह रहा हूँ। तो ब्रॉन्ज एलॉय की आप कटोरी, थोड़ा भारी होता है ये मेटल, ब्रॉन्ज एलॉय की आप कटोरी ले लीजिए, और उससे आप 5 मिनट यूँ मलने के बाद 5 मिनट फिर जो ब्रॉन्ज की कटोरी है उससे पैर को मल लीजिए। इससे होगा कि आपके पैर का जो तलवा है वो काला हो जाएगा, कटोरी का जो पेंदा है, जो बैक है, बॉटम है, वो भी थोड़ा काला होने लगेगा, लेकिन आप घबराइए मत, वो आपके शरीर के दोष निकल रहे हैं, आप ये जान दीजिए। तो आप 10 मिनट ये पैर, 10 मिनट ये पैर, इसमें जो है इस तरह मसाज करिए, कॉपर के
ब्रॉन्ज के बाउल से और हाथ से, और फिर मजे से इसके बाद चाहे आप पैर धो लीजिए, कपड़े से पोंछ लीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे आपको बहुत खूबसूरत नींद आएगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी नर्व्स में जो है आपके ताकत होगी, आपके नसों में ताकत होगी, और जो नसों में ताकत होगी तो दिमाग की ताकत होगी। आप जानते हैं कि जो पैर होता है, पैर का जो तलवा होता है, इसकी नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं। जितने लोग एक्यूप्रेशर करते हैं, ज़्यादातर लोग पैर के नीचे करते हैं, चप्पलें आती हैं उसमें नोकें निकली रहती हैं, जो डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब अच्छी कंपनियों की महंगी चप्पलें आती हैं उनमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो पैर पर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो आपकी नर्व्स नरिश हों। तो आप इस नुस्खे को करिएगा साथियों, आपको विस्मयकारी अद्भुत फायदा होगा इससे। हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपने ये करा और आपको एहसास हुआ कि आपको आयुर्वेदिक जीवन की शुरुआत हुई कि नहीं। ऐसा आप 3 महीने तक करिएगा, आपकी नसें बहुत मजबूत हो जाएंगी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके देखिएगा कटोरा थोड़ा ज़्यादा काला होगा क्योंकि उसकी नस वीक होती हैं। ये बड़ा अद्भुत नुस्खा है जिसको आयुर्वेदिक में साथियों पादाभ्यंग कहते हैं, यानी फुट मसाज। यह बहुत अच्छा एक नुस्खा है आपको नर्स में पुनः जीवन लाने का, क्योंकि और कुछ नर्स में आपको जीवन नहीं ला सकता। आपके मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो हमें व्हाट्सएप या यूट्यूब पे अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे पाएं। वीडियो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा ही होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस नुस्खे को आप करिएगा और अपनी नसों की मजबूती का एहसास करिएगा। धन्यवाद।